यह है सिर्फ बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर पंप, ठीक है। यह ग्रीनफील्ड का स्प्रेयर पंप है, यह अमेजोन में इजीली अवेलेबल है। इसका आज अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सी एसेसरी कहाँ पर लगती है और कौन सी एसेसरी कैसे यूज़ होती है, ठीक है। ये देखो, ये ग्रीनफील्ड का स्प्रेयर है जो अमेजोन में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप ये नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हो। चलो तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट्स इसमें से निकलता है और कौन सा पार्ट्स कहाँ पर अटैच करना है। यह इसमें जो चाली है, यह है नोजल, ये है बेल्ट। हमने ये लॉन्ग लास्टिंग बेल्ट बनाया हुआ है ताकि जब खेडूत या तो फिर कोई भी इसको यूज़ करे तो इसको ज़्यादा दर्द ना हो, और यह लॉन्ग लास्टिंग है। यह है और ये सारी एसेसरी है। इसमें यह है चार्जर, ये है हैंडल, ठीक है। अब इसमें कोई पार्ट्स नहीं बचा। ये सारी पूरी स्पेयर पंप में जो सिर्फ बैटरी से चलने वाला स्पेयर पंप होता है उसमें जो जो एसेसरी निकलती है वो यहाँ पे है। ये है मैन्यूअल, इसमें सारा दिया हुआ, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट्स और क्या कहाँ पे लगाना। ये दोनों बेल्ट है, ये स्टील पाइप है, ये हमारा हैंडल है, ये चार्जर है, ये जो अलग अलग नोजल होता है ये आपको अपने तरीके से कैसे यूज़ करना है इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है ये प्रेशर नॉब का बटन है, यह है यहाँ पे स्टैंड, स्टील लेंस स्टैंड करने का स्टैंड है। ये तीनों वाइसर दिया हुआ ताकि लीकेज ना हो, ये जाली दिया हुआ और ये ढक्कन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट्स एग्जैक्टली कहाँ पे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें लगाना है ये लेना है और इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लग गया। और उसके बाद ये स्टील लेंस लेना है, स्टील लेंस में एक वाइसर को डाल देना है अंदर। ये देखो अंदर ऐसे वाइसर अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, स्टील लेंस अंदर डालने के बाद इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, ये दूसरा हिस्सा होता है, इसको यहाँ पे अंदर डाल देना है। आपको देखना है ये तीनों इसमें है या नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब इसमें जो भी हमें अपने तरीके से, आप ये तीनों में से जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको यहाँ पे लगाने से पहले यहाँ पे ये वाइसर दिया हुआ है, वो वाइसर यहाँ पे लगाना है। ये वाइसर यहाँ पे ऐसे लगाना है, ये शायद अच्छे से नहीं बैठा है। एक बार फिर से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बैठ चुका है। अच्छे से इसको टाइट कर देना है ताकि यहाँ से लीकेज ना हो, ठीक है। ये अब हो चुका है। अब इसको हमें स्टैंड करना हो तो फिर यहाँ पे ये देखो, ये जो भाग होता है इसे नीचे डालना है ऐसे, और फिर बाद में इसको यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। ये होता है पाइप के लिए, ये पाइप यहाँ पे अटैच हो चुका है, ठीक है। और ये अब हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट क्या, देखो ये भाग जो होता है ये देखो, ये यहाँ से नीचे लगता है ऐसे। नीचे लगाने के बाद जो भी ऊपर रहता है, हमने ये हम बेल्ट की साइज़ थोड़ी बड़ी दी है, बड़ी इसीलिए दी है ताकि यहाँ पे इजीली बैठ जाए, ठीक है। और बाद में ये निकले ना और इसके को कुछ ना हो, ये लॉन्ग लास्टिंग बेल्ट है। यहाँ पर अटैच करना है ऐसे, देखो ये बेल्ट अब हो चुका है अटैच। अब दूसरा बेल्ट है, दूसरा बेल्ट को हम लगते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको लगाना है ऐसे, ठीक है। ये लगाने के बाद आपको देखना है ये अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं। ये देखो यहाँ पे ये हमने दिया हुआ है, ये प्रेशर नॉब के लिए। अगर यहाँ से आप प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो फिर देखो आप, प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ से अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए तो फिर यहाँ से डायरेक्ट ऑन करके, अगर यहाँ से डायरेक्ट ऑन करते हो तो फिर आपको हाई प्रेशर मिलेगा। अगर ऑन करने के बाद अगर आपको लो प्रेशर चाहिए तो फिर आपको यहाँ से ऐसे लो करना होगा, ठीक है। देखो अगर लो प्रेशर चाहिए तो यहाँ से ही करना होगा, अगर हाई प्रेशर यहाँ से ऐसे हाई होने हो जाएगा, ठीक है। और इसको बंद करने का टाइम, इसको यहाँ से प्रेशर लो करने के बाद ही बंद होगा, कि यहाँ से अगर ये चालू होगा तो फिर ये ऑन ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ऑफ नहीं होगा ये,
यहाँ से ही आपको बंद करना पड़ेगा। देखो अब इसको यहाँ पे ये वॉशर फिट कर दिया है, यहाँ पे हमने ये देखो ग्रीन कलर का ये वॉशर हमने फिट कर दिया है, तो फिर लीकेज नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कहीं कहीं से कोई भी जगह से यहाँ पे लीकेज नहीं होगा। और अगर ये हमें चालू रखना है तो फिर ये स्विच ऐसा कर देगा तो फिर ये फ्लो कंटिन्यू ही रहेगा। देख लीजिए ये फ्लो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, और अगर अगर हम इसको बंद कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही मोटर ये चालू हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि आपको प्रेशर को एडजस्ट करना है तो फिर अगर आपको लो प्रेशर चाहिए, ठीक है, और अगर आपको लो प्रेशर चाहिए तो फिर आपको यहाँ से देखो ये प्रेशर नॉब दिया हुआ है, ये प्रेशर नॉब दिया हुआ है। अगर यहाँ से देखोगे तो आप प्रेशर कम या तो फिर ज़्यादा यूज कर सकते हो, वहाँ पे देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रेशर कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए अब प्रेशर कम है, अब ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए तो फिर यहाँ से ऑन करके आपको डायरेक्ट हाई प्रेशर ही यहाँ पे मिल सकता है। और ये जो है ये अपने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना प्रेशर क्या कितना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसका हमने पूरा पंप तो असेंबल करके देख लिया हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ असेंबल होती है। अब इसका चार्जिंग का स्पेसिफिकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब जब आप इसको चार्जिंग में रखोगे तब ठीक है, तो भी यहाँ पर ग्रीन लाइट जलेगी। देख लीजिए यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब ऐसा होता है कि बैटरी में अभी भी चार्जिंग है और ये ग्रीन लाइट है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट प्लग इन करते हो, यहाँ पे देखो मैं प्लग इन कर रहा हूँ और इसकी लाइट चालू कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे देखो रेड लाइट जल रही है। इसका मतलब ऐसा होता है कि इसमें चार्जिंग अभी हो रहा है और रेड लाइट हो रही, चार्जिंग हो रहा है। जब इसमें यहाँ पर ये रेड लाइट है वो ग्रीन लाइट हो जाएगी तो फिर उसका मतलब ऐसा होता है कि बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुके हैं। और इसमें इसको बैटरी में फुली चार्ज करने का समय रहेगा 4 से 5 घंटा। जब 5 घंटे के बाद यहाँ पे ये लाइट ग्रीन हो जाएगी तो फिर आपको वैसा समझना है कि चार्ज फुल्ली हो चुका है। ठीक है, और अगर इसको मैं यहाँ से निकल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट प्लग इन करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखो ग्रीन लाइट जल रही है। इसका मतलब ऐसा होता है कि इसमें पावर आ रहा है। अब इसको मैं इसमें अंदर डालता हूँ, ठीक है, तो फिर बाद में हम देखते हैं कि कौन सा कलर चेंज होता है। तो फिर देखो यहाँ पर रेड लाइट हो गई है, रेड लाइट का मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है। जब चार्जिंग फुल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ग्रीन या तो फिर ब्लू लाइट जलेगी। ओके, थैंक यू।